हेलो हाय नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। और ये सेकेंड डे है नेपाल यानी कि काठमांडू शहर की सुबह का, और मैं नहा धो के तैयार और डायरेक्ट पहुंच चुकी हूँ पशुपति नाथ मंदिर के सामने में। और मेरे साथ ना बहुत बड़ी ट्रेजडी हो गई, यहीं पे मैं बहुत ज़ोरदार की गिर गई और जिसकी वजह से मेरे पैर में भयंकर सा मोच आ गया, तो मैं एकदम डिस्टर्ब हो गई। और मैंने बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही कम वीडियो लिया हुआ है, तो फिर भी लंगड़ाते लंगड़ाते मैं थोड़ा बहुत रील्स तो मेरा मैं बना ही ली और थोड़े बहुत क्लिप्स लिया था। तो चलिए चलते हैं। ये जो है ये एंट्रांस है और बहुत ही खूबसूरत सा जगह है। और ये सामने में यहाँ पे सब दिया बत्ती वगैरह जलाते हैं, और मम्मी एज यूजल घर से बना के वो लेके गई थी दिया, तो हम लोग बस वहीं पे वही दिया को लगा रहे थे। और ये पशुपतिनाथ जी के बाहर का गेट है, और अंदर में तो कुछ भी वीडियो अलाउ नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत बहुत ही शांतिपूर्वक दर्शन किया हम लोगों ने इस बार, बहुत अच्छा किया। अंदर जाके अंदर भी एक पूरा सर्कल हम लोगों ने लिया, फिर पीछे जो नदी है और जहाँ पे चिताएँ भी जलती हैं वहाँ पे भी हम लोग, मैं खैर जा नहीं पाई क्योंकि मेरे पैर बहुत ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा था, मैं एकदम हल्का हल्का हल्के हल्के चल रही थी, फिर भी देखिए लंगड़ाते लंगड़ाते मैंने रील्स बना ही लिया। और बस दर्शन होने के बाद में वहाँ से निकल के हम लोग जो सेकेंड जगह है यानी कि इसे कहते हैं स्वयंभू, इसके अंदर जो है बुद्ध स्तूप है, बहुत सारे बुद्ध मंदिर है। पहुंचे जाए जो बुद्ध स्तूप एटा भी गोटे बहुत ही सुंदर बुद्ध मान मंदिर अच्छी भितरे देखिबा पे लाजवाब हिचे नेपाल आसले पशुपतिनाथ पर एटा आपण माने देखिबे। इसके अंदर बहुत चलना पड़ता है और मैं बिल्कुल नहीं चल पा रही थी, मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं बस बाहर ही बैठी थी। अंदर जाने के लिए टिकट भी लगते हैं, तो मैं बस यहीं से वीडियो थोड़ा बहुत ले ली। बहुत बड़ा सर्कल रहता है अंदर में, और फिर उसके बाद हम लोग पहुंच गए और एक जगह, यहाँ पे नारायण जी हैं वो लेटे हुए हैं और पानी के ऊपर में बहुत ही बड़ी सी मूर्ति है इनकी, और लेकिन मैं फ़ोटो पिक्च कुछ ले नहीं पाई, अंदर में अलाउ बिल्कुल नहीं है, इस बार बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तब हम लोग ले पा रहे थे, फ़ोटो उठा पा रहे थे, तो बस मैं बता रही हूँ। यहाँ पे कॉइन्स भी यहाँ पे डाले जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है अंदर में, ये बहुत ही पुराना और प्राचीन है। जो भी आते हैं ये पर्यटन स्थल यहाँ पे निश्चित रूप से देखते हैं। और ये जो जगह है अंदर में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ का जो काठमांडू का कलर है ना, ये रेड कलर की जो ईंट रहती है उसी से ही ये शहर को बनाया गया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो थोड़ा बहुत मैंने रील्स जोड़ जाड़ के बस ऐसे ही हल्के हल्के चल के मैंने बस बना लिया और थोड़ा बहुत क्लिप ले लिया। और उसके बाद जो ये जगह है, हाँ ऑलरेडी शाम हो चुकी थी लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई, सॉरी वीडियोस नहीं ले पाई। बहुत ही खूबसूरत सा ये भी बुद्ध मंदिर ही अंदर में, यहाँ पे सनसेट होता है बहुत खूबसूरत सा, लेकिन चलना पड़ता है, सीढ़ियों से पूरा ऊपर जाएंगी। ऊपर जाने के बाद में वहाँ पे भी बहुत सारे शॉप्स होंगे, दुकानें हैं, और देखिए कितना बड़ा सर्कल है। तो जब हम नहीं, क्योंकि बाबा माँ सब कोई थक गए थे, इतना चलना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने कहा चलो ओके गाड़ी से हम एक सर्कल ले लेते हैं ताकि मैं एक वीडियो भी बना लूँगी और पुरानी यादें मेरी जो है ताज़ा हो जाएंगी। इसी तरीके से देखिए, और सीढ़ियाँ हैं बहुत सारी, स्टेप्स हैं तो ऊपर चढ़ के जाते हैं वहाँ पे। और इसी तरीके से बुद्ध का जो होता है ना मंदिर है अंदर में, स्टेचूज़ हैं उनके, व्हील पेपर में उनके जो रहते हैं प्रे व्हील्स हैं जैसे हम देखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। मेडिटेशन सेंटर भी रहते हैं अंदर में, और बस यही हम चक्कर लगा रहे थे। और मेरी हालत जो थी ना वो, फिर भी मैं मतलब एक्साइटेड थी, तो मैं चलो घूम ली, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चल ले रही थी, लेकिन होटल में आने के बाद में तो मेरा बहुत ही हालत ख़राब हो गया था। मैंने पेन किलर्स खाए, मैंने पाँव में फिर आइस वगैरह रखा, तब जाके कहीं मुझे ठीक लगा। और यही जो है एंट्री है, देखिए यहीं से हम सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं, ये मतलब बहुत ही ऊपर हमें जाना पड़ेगा, एक पहाड़ मतलब शहर के बीचों बीच ही है ये, वैसे हालांकि बहुत दूर में नहीं है। तो आप लोग जब जाएंगे तब ज़रूर जाना, क्योंकि हम लोग पहले जा चुके हैं और अभिनव मैं, तो हमें इतना ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा था।
कुछ ज़्यादा अच्छा वीडियो और ले नहीं पाई, और ईसु बस मस्ती कर रही थी तो मैं थोड़ा सा उसके लिए वीडियो ले लिया, और होटल वाले बहुत ही अच्छे थे तो आइस दिया उन्होंने, हमने थोड़ा लगा लिया तो थोड़ा राहत मिला मुझे। लेकिन बुखार जैसे भी लगने लगा था तो बस मैं सो गई, मैंने और कुछ नहीं किया। और सेकेंड डे मॉर्निंग हमें जाना था क्योंकि दो दिन का ही ट्रिप था, तो बस जब हम आ रहे थे ना तो बाय रोड हम लोग आ रहे थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, जो नज़ारे थे ना बहुत खूबसूरत से थे, तो बस मैं वही सब थोड़ा बहुत कैप्चर कर रही थी। और ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आते समय हमें इतना सुंदर सुंदर वाटरफॉल मिला, मैं एक दफ़ा रुक के मैंने एक वीडियो भी बनाया है, ये देखिए। और हम मतलब बहुत ही शुद्ध पानी बोलते हैं ना, और बहुत अच्छा लगा। ऐसे छोटे 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 वाटरफॉल आपको मिलते ही रहेंगे रास्ते भर, तो वो जो नेचर्स का रहता है ना वो इतना अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, कि वो सब चीज़ें जो है आप अगर बाय कार आ रहे हैं तो ही आप देख सकते हैं, वो भी ऐसे हिल स्टेशंस में, हर जगह तो ये नहीं मिलेगा। बस इसी तरीके से मेरा जो जर्नी था नेपाल का हमने ख़त्म किया। होप आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, अगर अच्छे लग रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।